नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टारली सोन में। दोस्तों बहुत ही एक्साइटिंग जॉब वैकेंसी जारी हुई हैं ब्रिटानिया जैसी बड़ी जो कि बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से, जिसमें कि शीघ्र ही आवश्यकता है जो कि लड़के एंड लड़कियों की डायरेक्ट ये वैकेंसी आप सभी की रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट जो है काफ़ी समय से कमेंट कर रहे थे, तो उनके लिए बेहतर ये अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि ब्रिटानिया बिस्कुट कंपनी में बहुत ही कम पढ़ी लिखी से लेकर हाईएस्ट तक के लिए वैकेंसीज हैं। जैसे कि अगर आप इस कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं है तो भी आप इस कंपनी में काम कर सकेंगे। साथ ही अगर आप यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, जैसे कि 10th 12th पास आउट हैं या आप ITI ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट धारक हैं, तो भी आप जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। साथ ही ये परमानेंट आप सभी की जॉब वैकेंसी रहेगी। साथ ही गाइज, आपको यहाँ पर जो कैंडिडेट ओवर टाइम के ज़्यादा भी कमेंट करते हैं, तो आपको ओवर टाइम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और ओवर टाइम का पैसा भी बहुत अच्छा ये कंपनी पे करती है। तो सभी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आपको ब्रिटानिया बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में जॉब मिलेगी, साथ ही आपको कहाँ पे वर्क करना रहेगा और क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जब आप सभी डिटेल्स देख लीजिएगा तभी आप इस भर्ती में आवेदन कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लें, ताकि कोई भी हम न्यू जॉब की वैकेंसी अपडेट पोस्ट करें आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँच सके। साथ ही आप वीडियो को भी ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर भी कर दें। जैसे कि गाइस, यहाँ पे हम बात करें तो फ्रेशर्स और एज एक्सपीरियंस बहुत कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। अगर आपको एक्सपीरियंस है किसी भी कंपनी का या आप बिस्कुट बनाने वाली किसी अन्य कंपनी में काम कर चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही एज ए फ्रेशर्स हैं फिर भी आप ये जो है इसमें एलिजिबल रहेंगे। आवेदन करने का जो मोड रहेगा वो इस भर्ती में ऑनलाइन रहेगा। आप सभी कैंडिडेट्स ऑनलाइन के माध्यम से इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, जिसमें आपको कोई पैसे वगैरह नहीं पे करने हैं। 100% फ्री है जॉब। और आप लोग ध्यान रखें, कभी भी कोई भी आपको जॉब ऑफर करता है उसके बदले चार्ज वगैरह मांगता है तो आप समझ जाइए वो स्कैमर से। अभी भी जो है गाइज, आपको पैसे वगैरह नहीं पे करने हैं। अगर आप जॉब के रिगार्डिंग किसी को पैसा देते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। क्वालिफिकेशंस जो है इस भर्ती में वो इस प्रकार से रहेगी। मिनिमम की हम बात करें तो अनपढ़ से लेकर यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं, ITI डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सभी एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप भारत के किसी भी जो है स्ट्रीम से क्यों ना पास आउट हों, काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशंस रहेगी आप सभी की। और एज जो रहेगी वो यहाँ पर इस प्रकार से है, आप देख ही सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 to 54 ईयर्स। जी हाँ, आप मिनिमम 18 वर्ष के होने चाहिए अगर आप 18 वर्ष के हैं। साथ ही अगर आप 18 से लेकर 54 वर्ष हैं बिल्कुल एलिजिबल हैं। और इसमें जो वैकेंसीज हैं 12,500 प्लस पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। लड़के भी आवेदन कर सकेंगे और लड़कियाँ भी जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। इसमें जो सैलरी ये कंपनी पे कर रही है वो इस प्रकार से रहेगी। आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ लेना है, क्योंकि इस प्रकार से है, मिनिमम 50,000 to 36,000 पर मंथ तक ये कंपनियाँ पे कर रही है। और गाइस, अटेंडेंस बोनस आपका 3,500 प्लस तक रहेगा। ओवर टाइम बहुत अच्छा चलता है, जिसका पैसा ये कंपनी जो है 155 रुपीज़ पर आवर से ये जो है पे कर रही है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर जो कैंडिडेट बिल्कुल कम पढ़े लिखे हैं। अगर आपके यहाँ पर सैलरी जो है 13,000 to 14,000 है, और साथ ही अगर आप ओवर टाइम भी करेंगे तो आसानी से जो है आप 25,000 पर मंथ तक एवरेज सैलरी अर्न कर सकेंगे। अदर फैसिलिटी बहुत अच्छी यहाँ पर मिल रही है कंपनी की तरफ से। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, PF की सुविधा होगी, SIC हॉलीडे, वीक्स ऑफ रहेंगे आपके, हेल्थ इंश्योरेंस, दीपावली बोनस, मंथली बोनस। जैसे कि यहाँ पे मंथली बोनस की हम बात करें तो जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे, साथ ही गाइस आप एक भी छुट्टी वगैरह नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर अटेंडेंस बोनस जैसे सुविधाएं मिल जाती हैं। कैंटीन की सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट जैसी ये सभी फैसिलिटीज़ एज पे कंपनी पॉलिसी आपको मिलने वाली हैं। और यहाँ पर जो ड्यूटी आप सभी की रहेगी वो 26 दिन ही रहेगी, 4 डे ऑफ रहेगा। यहाँ पे आपकी जो ड्यूटी है वो 8 आवर्स रहेगी, साथ ही ओवर टाइम वगैरह आप करेंगे तो 12 आवर्स की भी यहाँ पर ड्यूटी अवेलेबल है। काफ़ी एक्साइटिंग है ड्यूटी। और आपके जो यहाँ पर सिलेक्शन होगा वो इस प्रकार से होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदन करना रहेगा इस वैकेंसी में। आवेदन करने के बाद शॉर्टलिस्टिंग होगी, विल बी बेस्ड ऑन द बेसिक ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड। साथ ही जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आफ्टर आपको जॉब ऑफर की जाएगी। कैसे अब आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे वो आप समझिएगा। आवेदन करने के लिए आप जो ऊपर की तरफ इस तरीके से जो है वीडियो चल रही होगी आप सभी के सामने, और इस तरीके से आपको यहाँ पे साइड में मोर बटन देख लेना, जैसे कि मैंने हाईलाइट कर दिया है। इस मोर बटन पे आप जैसे ही जो टैप करेंगे तो सेकंड टाइम आपके सामने इस तरीके से अप्लाई लिंक ओपन होकर आ जाएगी, और आपको इस अप्लाई लिंक पर टैप कर देना है। आप जैसे ही टैप करेंगे तो आप सभी जो है इनके कैरियर पोर्टल पर विजिट कर जाएंगे। आपको यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी की जॉब वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। आप अपने इंटरेस्ट वाइज आवेदन कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर एरिया सेल्स एक्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, HR मैनेजर की यहाँ पे है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर्स की है। लोकेशन साथ में सभी की मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में इस तरीके से लोकेशंस मेंशन रहती है, जयपुर की है। अगर आप डिमांड प्लानिंग ऑफिसर्स पे अप्लाई करते हैं तो ये बेंगलोर की रहेगी। इसी तरीके से आपकी लोकेशन साथ में ही मेंशन रहती है, नहीं तो फिर बाद में आप अवश्य कमेंट करते हैं। इसी तरीके से थोड़ा आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो एरिया सेल्स एक्जीक्यूटिव की हो
गई, एरिया सेल्स मैनेजर की हो गई, ओनली सेल्स की भी हो गई। साथ यहाँ पे आप वेयरहाउस में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं, एक्सीलेंस एग्जीक्यूटिव की, इसी तरीके से सीपी ऑपरेशंस ऑफिसर्स की हैं। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं उसमें अप्लाई कीजिएगा, मैं आप सभी को एक पद में अप्लाई करके बता देता हूँ। उसी स्टेप तरीके से आप सभी पोस्ट में अप्लाई कर सकेंगे सेम प्रोसेस से। जैसे कि यहाँ पे हम कस्टमर सर्विस ऑफिसर्स की पोस्ट पर अप्लाई करके आपको बता देते हैं। आ जाएंगे यहाँ पर, आने के बाद आपको कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का पोस्ट का नाम लिखा रहेगा, ऑफिसर्स का। आवेदन आप कैसे कर सकेंगे वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर रिक्वायर्ड स्किल्स रहेगी, या आपके पास स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, साथ ही क्या आपका रोल्स रहेगा कंपनी में, क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सभी जानकारी इसमें पोस्ट में दी गई है। तो सिंपली आप इसको पहले रीड आउट कर लीजिएगा। रीड आउट करने के बाद आवेदन करने का प्रोसेस बता देते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट में दिख जाएगा साइन इन टू अप्लाई, आप यहाँ से अप्लाई कीजिएगा। पहले तो आपको अकाउंट बनाना रहेगा, अकाउंट क्रिएट करके दोबारा से उसी आईडी से लॉगिन कर लेना है और आपके सामने फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। आप उसको अच्छे तरीके से फिलअप करके सबमिट कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पे ब्रिटानी जैसी बड़ी बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सक्सेसफुली आवेदन हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कुछ भी दिक्कत आती है या अभी भी कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं गाइस ऐसे ही लेटेस्ट और वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।